दरवाजे पर शराब पीने को किया मना तो पत्नी का हाथ और पैर तोड़ा। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली थाना सुभाषनगर के तिलक कॉलोनी में रहने वाले एक घर के दरवाजे पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन शराब पीने का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला के पति और महिला को डंडों से मारा, हाथ और पैर फ्रैक्चर कर दिया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तिलक कॉलोनी के रहने वाले जसवंत जो एक कंपनी में ड्राइवर हैं, रात को बिजली चली गई। बिजली का तार ठीक करने जसवंत बाहर आया तो दरवाजे पर मोनू अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, जिसका जसवंत ने विरोध किया। उनकी पत्नी सविता भी बाहर आ गई। मोनू उसके दोस्तों ने सविता की लाठी डंडों से पिटाई कर दी और धक्का दे दिया, जिससे उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और हाथ में भी गंभीर चोट लगी है। सविता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और थाना सुभाषनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्या नाम है तुम्हारा? सविता सिंह। क्या मामला हुआ था? मामला है सर, खाने पीने चक्कर में हमारी आदमी बत्ती ताल लगाने गई, हमारी मकान वाली को शराब में कुछ दे दे, बेहोश पड़े, उनको भाभी बता उठा लो तो उन्हें उठाने गए। वो दो लड़का नाम मारने लगी, मारने बाद तो बता रहे साले तो फिर चीनी मिल लगी, मारते मारते बता रहे साले तो फिर जान से मार डालेंगे। तो हमने बीच में छुटाने गए सर, हमारी आगे पीछे क्यों ना आए, हमने छुटाने गए। एक लड़का हमारी आदमी को मार रहे, एक लड़का हमारे को मार रहे। कहाँ का चोट आई है? गंदा मिल सुबह तिलोक में मकान वाली खाने पीने। कहाँ का चोट आई है तुम्हारे? हमारी कॉलोनी में टूट गई, अभी इसमें दो हड्डी टूट गई। मारने वाले कौन कौन थे? मारने वाला लड़का तो सर हम नाम पता नहीं, बता दो तू। ठीक है।